सो हेलो गाइस, आज हमारे सामने हुंडई एक्स्ट्रा, ये SCNG वेरिएंट है। आज हम इसका वो कदम वीडियो बनाने वाले हैं। हम बात करेंगे इसके इंटीरियर, एक्सटीरियर, इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। सो इसके प्राइस की बात की तो इसका एक्स्ट्रा प्राइस है 8.23 लाख रुपीज़ एंड इसका ऑन रोड प्राइस है 9.3 लाख रुपीज़। सो वो कदम स्टार्ट करते हैं कीज से। आपके यहाँ पर रिमोट कीज मिल जाएंगी इस वेरियंट में। रिमोट कीज आपको फ्लिप की फंक्शन के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे लॉक अनलॉक एंड होल्ड टू बूट अनलॉक के बटन्स, और दूसरी साइड आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। तमाम फिनिश मिलती है आपको कीज, बट आप दूसरी की आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दी गई है। और अब गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए, आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी आई अपीलिंग मिलती है आपको हुंडई एक्स्ट्रा का डिज़ाइन। और यहाँ फ्रंट में आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स। हेडलैम्प्स के ऊपर आपको यहाँ पे DRS देखने को मिल जाएंगे। DRS के अलावा आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है, बट यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड दिए गए हैं। और जो हेडलैम्प्स के कारण भी आपके यहाँ पर ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और यहाँ ग्रिल भी आपको ग्लोज ब्लैक फिनिश में दी गई है। यहाँ पे आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा की बैजिंग, ये सिल्वर फिनिश में दी गई है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हुंडई का लोगो, ये भी सिल्वर फिनिश्ड है। और दूसरी ग्रिल आपको यहाँ पर बिल्कुल वाइड ओपन मिलती है। और अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात की तो आपको साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी बढ़िया लुक्स देखने मिल जाते हैं। हुंडई एक्स्ट्रा का डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। व्हील्स की बात की तो ऐसे में आपको स्टील रिम देखने मिल जाएंगे विद व्हील कवर्स। यहाँ पे व्हील्स का साइज मिल जाता है आपको 165/70 R14। और जो साइड प्रोफाइल में आपको काफ़ी बड़े व्हील आर्चेस मिल जाते हैं। और आपको साइड क्लैडिंग भी दी गई है एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको फेंडर पे मिलेंगे। और ओरियंस आपको बॉडी कलर मिलते हैं। ए पिलर आपको ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं। और डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे। बी एंड सी पिलर्स भी आपको बॉडी कलर मिलते हैं। रूफ के ऊपर आपको काफ़ी बड़ा एंटीना मिल जाता है, जो कि अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ये डिलीवरी के टाइम पे इंस्टॉल किया जाएगा। और अब गाड़ी के बैक प्रोफाइल की बात की तो आपको बैक प्रोफाइल से भी काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक्स देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग मिल जाता है हुंडई एक्स्ट्रा का डिज़ाइन। और अब टेल लैंप्स की बात करें तो टेल लैंप्स भी आपको LED बेस्ड मिल जाते हैं, एच शेप्ड मिलते हैं टेल लैंप्स। टेल लैंप्स का डिज़ाइन भी आपको काफ़ी पसंद आने वाला है, बट यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड इंडिकेटर्स एंड बैक लाइट मिलती है। और रिफ्लेक्टर्स आपको बम्पर पर मिल जाएंगे। बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पर सिल्वर कलर की क्लैडिंग मिल जाती है। और बम्पर के ऊपर आपको यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगी हुंडई की बैजिंग। ऑल्सो रियर में भी आपको यहाँ पे ग्लोज ब्लैक फिनिश मिल जाती है। इसके ऊपर आपको काफ़ी बढ़िया टेक्सचर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा की बैजिंग। बट रियर विंडशील्ड के ऊपर आपको वाइपर एंड डिफॉगर नहीं दिए गए। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्टॉप लैंप। सो चलिए अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा की बूट। बूट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटोमीटर मिल जाता है। अब बूट स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे डिसेंट साइज का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। CNG सिलेंडर लगने के बाद यहाँ पे काफ़ी कम बूट स्पेस बचता है। वेल बूट स्पेस का यूज़ करने के लिए आपके पास ट्रे दी गई है। और CNG के नीचे आपको यहाँ पे कुछ और स्पेस मिल जाता है एंड स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे इसके नीचे मिलेगा। स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज का मिल जाता है। बूट डोर के ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक इंसुलेशन मिल जाती है। यहाँ पे बूट क्लोज करने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगा। सो चलिए अब देख लेते हैं हुंडई एक्स्ट्रा का इंटीरियर। ड्राइवर साइड डोर के ऊपर यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑल पावर विंडोज मिल जाती हैं विद ड्राइवर साइड ऑटो डाउन फीचर। और यहाँ पे अपने लॉक अनलॉक बटन एंड यहाँ पे आपको ORMs के कंट्रोल मिल जाते हैं। ORMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलते हैं, बट ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। यहाँ पे अपने चाइल्ड लॉक बटन और यहाँ पे आपको डोर पकड़ने के लिए स्पेस मिल जाता है एंड डोर हैंडल्स आपको प्लास्टिक मिलेंगे। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे बॉटल होल्डर एंड कुछ पॉकेट्स। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाएगा एंड डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे मिल जाएंगे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बटन। यहाँ पे फ्यूल टाइप चेंज करने के लिए बटन दिया गया है। और ये बटन आपको हेडलैम्प की हाइट चेंज करने के लिए मिल जाता है। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात की तो आपको एक्स्ट्रा में 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश भी दी गई है। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी भी टाइप से एडजस्टेबल नहीं मिलता आपको स्टीयरिंग व्हील। और अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की तो आपको यहाँ पे ऑल डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। MID के लेफ्ट साइड स्पीडोमीटर मिल जाता है और राइट साइड टैकोमीटर भी आ गया। क्लस्टर में आप देख सकते हैं ड्राइवर असिस्ट, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस, यूनिट रीसेट। और यहाँ पे आपको टायर प्रेशर एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ट्रिप्स, फ्यूल इन्फो, करंट ट्रिप्स। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वाइपर कंट्रोल एंड राइट साइड आपको हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाते हैं। और अब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात की तो आपको यहाँ पे 10 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। इंफोटेनमेंट के लेफ्ट साइड आपको मिल जाता है ट्रैक कंट्रोल। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रेडियो, मीडिया एंड
फेवरेट्स, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है। मेन्यू में आपको मिल जाएंगे रेडियो, यूएसबी, फ़ोन, मीडिया, ऑल मेन्यू। यहाँ पे आपको फ़ोन, प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, मीडिया, क्वाइट मोड, मैनुअल सेटिंग्स एंड सेटिंग्स में आपको मिल जाते हैं साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, जनरल एंड बटन सेटिंग्स मिल जाती हैं। बटन सेटिंग्स में आप यहाँ पे फेवरेट्स को सेट कर सकते हैं। एंड डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम ग्लोस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और यहाँ सेंटर में आपको मिल जाएगा हजार नेम बटन, और उसके नीचे आपको मिल जाते हैं एसी कंट्रोल्स। मैनुअल एसी मिलता है आपको यहाँ पे, लेफ्ट साइड मोड्स, बीच में फैन स्पीड, और राइट साइड आपको टेम्परेचर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एयर सर्कुलेशन बटन मिल जाता है। और यहाँ नीचे आपको मिल जाएंगे यूएसबी पोर्ट, दो यूएसबी पोर्ट्स दिए गए यहाँ पे, एक टाइप सी मिल जाता है, एक यूएसबी ए, बीच में आपको 12 वी सॉकेट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए कुछ स्पेस मिल जाता है। और अब गियर बॉक्स की बात की जाए, आपको एक्स्ट्रा में 5 स्पीड मैनुअल देखने को मिल जाएगा। गियर लीवर यहाँ पे बिल्कुल बेसिक डिजाइन में दिया गया। और हाँ, सेंटर कंसोल के ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाती है। और यहाँ सेंटर कंसोल में आपको मिल जाएंगे 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाती है, और यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाएगा। और रूफ में आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग आयरन दिया गया, यहाँ पे आपको माइक मिल जाएगा, एंड पोर्ट ड्राइवर साइड आपको वैनिट मिरर मिल जाता है, और सनवाइजर काफ़ी बढ़िया ब्लॉक कर लेता है विंडो को। रूफ में आपको यहाँ पे सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, एंड ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाएगा। और अब ग्लव बॉक्स की बात की जाए, आपको यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रख पाएंगे। और सबको डैशबोर्ड में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया गया। अब फ्रंट सीट्स की बात की जाए, फ्रंट सीट्स के एडजस्ट इंटीग्रेटेड है, ड्राइवर सीट 6 वे, एंड फोर ड्राइवर सीट आपको 4 वे एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। एंड अब चलते हैं रियर डोर्स पे। एंड अब रियर डोर पे देखिए फीचर्स की बात की तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पावर विंडो कंट्रोल, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, प्लास्टिक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, नीचे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है। और अब गाड़ी में देखिए स्पेस की बात की तो आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस देखने को मिल जाता है। लेग रूम एंड नी रूम आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दिया गया, और जो थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। रियर सीट्स पे आपको यहाँ पे एसीवेंट्स मिल जाएंगे। रूफ में यहाँ पे एक लाइट मिल जाती है, जो कि फ्रंट एंड सेकंड दो पैसेंजर्स को दोनों को शेयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, एंड रियर सीट्स के एडजस्ट एडजस्टेबल हैं। रियर सीट्स आपको बेंच फोल्डिंग मिल जाती हैं। सो चलिए अब देख लेते हैं हुंडई एक्स्ट्रा का इंजन पे। आपको हुंडई एक्स्ट्रा में मिल जाएगा 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 68 bhp पावर एंड 95 Nm ऑफ टॉर्क। ये पावर फिगर CNG के हिसाब से हैं, बट आपको यहाँ पे बोनट इंसुलेटेड नहीं दिया गया। बोनट इंसुलेटेड होना ना होना वो एक डिबेट की बात है, बट आपको यहाँ पे इंजन काफ़ी स्मूथ एंड रिफाइंड देखने को मिल जाता है, काफ़ी कम वाइब्रेशन एंड नॉइस प्रोड्यूस करता है इंजन। और अब गाड़ी में देखा सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, आपको मिल जाता है 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मोनिटर, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, एंटी पिंच पावर विंडो एंड अदर सेफ्टी फीचर्स। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं आप, एंड चैनल पे नया हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।